हेलो हेलो बच्चों, आ जाओ। सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम पार्टनरशिप अकाउंट गुडविल टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप देख लिया था, राइट। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अंदर में हमने क्या क्या चीजें देखी थी? पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनर का मीनिंग, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उसके बाद में हमने और क्या क्या देखा था रे बेटा, बताओ तो जरा। हाँ बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देखा था ना, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखा था, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट देखा था। ये सारी चीजें हमने देखी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। काफी इजी एग्जाम में आया, तो 4 नंबर का प्रश्न, 4 से 6 नंबर का प्रश्न इंट्रोडक्शन से आ सकता है। 4 के ऊपर की उसकी औकात नहीं है, है ना, 4 से 6 नंबर का आ सकता है। फिर हमने जो उसके अंदर में सेल्फ प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन नंबर 1 देखा, फिर उसके बाद उसके पहले के कुछ पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन देखे, राइट। तो वो सब क्वेश्चन फटाफट से देखना, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे उसको 2 से 2.5 घंटा लगेगा। उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग करोगे इंट्रोडक्शन का, तो 15 से 20 मिनट के अंदर में रीडिंग हो जाएगा, राइट। चलो आ जाओ, आप ध्यान देना अच्छे से। अब हम लोग बात कर रहे बच्चों गुडविल की। बोलो तो बेटा, गुडविल यानी क्या है? नेम, फेम और रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। मैं बिजनेस के गुडविल की बात कर रहा हूं यहां पे, चलेगा ना? ऐसा लिख सकता हूं ना? लिखते जाओ सब लोग फटाफट से मेरे साथ साथ में, लिखना है बेटा सभी ने। नेम, फेम और रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। ये बेटा एक बार ग्रुप पे मैसेज कर दे, बच्चों को बोलना चालू हो गया लेक्चर, किधर है? ग्रुप पे, ग्रुप पे क्या बेटा, कर दो मैसेज एक बार। नेम, फेम एंड रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस लिखो बेटा फटाफट से। रोहित आजा, है ना, आजा आजा बेटा। हाँ, फर्स्ट फ्लोर। तो ध्यान से सुनना, और एक आगे लिखो, और वी कैन से गुडविल इज एन एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस। गुडविल इज एन एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। गुडविल इज एन एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। क्या मतलब है दूसरे वाले सेंटेंस का? बिजनेस की एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। जैसे मान लो आप कश्मीर घूमने के लिए गए, कश्मीर की वादियों में ऊपर पहाड़ी पे आपको भूख लगी, सामने दो बिस्किट के पैकेट के ऑप्शन है, एक डायमंड बिस्किट, एक पार्ले जी। नहीं नहीं मेरे साथ में हुआ था ऐसा, दूसरे बिस्किट का नाम नहीं माना था मुझे, दोनों का कंटेंट सेम, प्राइस सेम, क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, स्टिल लोग क्या खरीदते हैं? पार्ले जी। यही है पार्ले जी का गुडविल। अब देखा उसके गुडविल की वजह से पार्ले जी का एक सेल बढ़ा ना, तो बस वही है, सेल बढ़ा तो अर्निंग बढ़ी ना, इसीलिए गुडविल इज एन एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जिस बिजनेस का गुडविल होता है उस बिजनेस का सेल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वो बिजनेस जिस बिजनेस का गुडविल नहीं होता है। समझ में आया सभी को? गुडविल वाले बिजनेस का सेल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन गुडविल बिजनेस। इसीलिए कैन आई से गुडविल इज एन एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। आगे लिखो गुडविल, ये अब ये हर किसी को मालूम है, इनटेंजिबल इन नेचर है, अदृश्य, देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, महसूस कर सकते, और इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, ये फिक्टिशियस असेट है कि रियल असेट है? फिक्टिशियस है कि रियल है? बोलो मुख, बोलो बोलो, फिक्टिशियस है कि रियल है? फिक्टिशियस का मीनिंग मालूम है क्या सबको? मैंने बताया था ना, फिक्टिशियस यानी काल्पनिक, काल्पनिक असेट है, काल्पनिक असेट। फिक्टिशियस असेट यानी काल्पनिक असेट, फिक्टिशियस असेट यानी जीरो वैल्यू असेट, फिक्टिशियस असेट यानी लॉस असेट, जीरो वैल्यू असेट, काल्पनिक, नोशनल, जीरो वैल्यू। तुम बताओ गुडविल फिक्टिशियस है? नो, वो कौन सी असेट है? रियल असेट। गुडविल इज
रियल असेट, गुडविल इज अ रियल असेट। रियल बट इंटेंजिबल इन नेचर, रियल बट इंटेंजिबल इन नेचर। वैल्यू होती है इसकी, फिक्टिशियस की वैल्यू नहीं होती है बच्चों। फिक्टिशियस मतलब जीरो वैल्यू असेट, बरोबर ना? सब लोग साथ में ना, विनीता? फिक्टिशियस मतलब जीरो वैल्यू असेट। बड़े आगे, उसके बाद लिखा बेटे सभी ने, गुडविल दो टाइप की होती है बच्चों। कितने टाइप की है? दो। एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी कौन सी होती बच्चों? परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड का अकाउंटिंग नहीं होता है, नो अकाउंटिंग। सर क्यों ऐसे? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में अकाउंटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई नहीं होता है। कौन सा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हम जब कभी भी कोई असेट का अकाउंटिंग करेंगे तो उस असेट को अक्वायर करने के लिए हमने कितनी कॉस्ट इनकर किया, वो कॉस्ट हम लोगों को पता होनी चाहिए। तुम बताओ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट पता होती है क्या? मैंने दिन रात खून पसीना एक करके मेरे बिजनेस का नाम बनाया, कितने की दिन, कितने की रात, कितने का खून, कितने का पसीना, कोई कह सकता है क्या? नो। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में कॉस्ट फैक्टर मिसिंग होता है। आपको पता नहीं होता है कि उसके लिए आपने कितनी कॉस्ट पे किया, इसीलिए आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं कर सकते। बट परचेज गुडविल के लिए आपने जेब से पैसे दिए रहते ना। जैसे मान लो मैंने एक सोप बनाया, उस सोप के ऊपर मैं लक्स वाले के पास गया, मैंने बोला मैं तेरा नाम लिखना चाहता हूँ इस सोप पे लक्स और बेचना चाहता हूँ। तो लक्स बोला अच्छा तुम मेरा गुडविल खरीदना चाहते हो, बोला हाँ। मैंने बोला कितना देना पड़ेगा, उसने बोला 100 करोड़ दे दो और उसके बाद आने वाले 25 साल तक हमारा नाम लिख के माल बेचते जाओ। बोला ठीक है डन। तो बताओ मैंने यहाँ पे गुडविल कितने में परचेस किया? 100 करोड़ में। तो यहाँ पे परचेस गुडविल का अकाउंटिंग होगा क्या? यस। तो परचेस गुडविल का अकाउंटिंग होगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं होगा। और इसके अकाउंटिंग के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, जिसका नाम है इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट्स गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में गाइडेंस कौन प्रदान करता है? AS 26, जो आप लोग पढ़ोगे आगे जाके इंटर में। लिखा बेटा सभी ने? उसके बाद मर पर बच्चों लिखा ना, अभी ध्यान से सुनना। चलो अब पेन वेन सब नीचे रख दो, सिर्फ ध्यान दो। अब मुझे आप लोग सोच समझ के बताओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल के वैल्यू पे इंपैक्ट करते हैं? हाँ बोलो बेटे। बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस, वेरी गुड। ठीक है, दारू बेचने का धंधा है तो गुडविल खराब ही है, ये सुन बोल सकते हैं। और बताओ, और बताओ, टाइप और नेचर ऑफ द बिजनेस, और बताओ। हाँ बोल बोल। आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस। मान लो मैंने आपसे पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद में अब मैं आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं दे रहा आपको, लेक्चर छुट्टी भी छुट्टी दिए जा रहा हूं, बस पैसे आने तक के मैंने आपके अच्छे से लेक्चर लिए और एक बार पैसे आपसे आ गए, उसके बाद बच्चों आज तबियत खराब ऑफ, बच्चों आज मूड खराब ऑफ, बच्चों आज दिन खराब ऑफ, बच्चों आज लाइट खराब ऑफ, तुम बताओ आफ्टर सेल अच्छी सर्विस अच्छी नहीं है तो गुडविल रहेगा क्या उस बिजनेस का? नो। आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा लेने के बाद में भी अगर तुम अच्छे से मेहनत कर रहे हो, कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो उस बिजनेस का गुडविल होता है। आफ्टर सेल सर्विस BMW की बहुत अच्छी है, ऑडी की बहुत अच्छी है। अगर आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं पंचर हो जाती, बंद हो जाती, तो BMW वाले ऑन रोड असिस्टेंस देते, वो भी कुछ घंटों में। समझ में आया क्या?
है ना, भले पैसे लेते होंगे बट आफ्टर सेल सर्विस बहुत प्रॉम्प्ट है उनकी, बरोबर है। बट वही अगर मैं बात करूं इसकी स्कोडा की, कुछ ऐसी कंपनियां जिनके ज्यादा सर्विस सेंटर नहीं है इधर में, एमजी हेक्टर है ना, उनके सर्विस सेंटर ज्यादा नहीं है, उनकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए एमजी हेक्टर गाड़ी अच्छी होने के बावजूद भी उसका सेल ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग क्या देखते हैं, भैया गाड़ी तो बेच दो गए, पर गाड़ी बेचने के बाद आगे कुछ प्रॉब्लम आई तो कहां भटकू मैं, इधर उधर भटकने के बाद लोग बोलेंगे यहाँ भी इसका सर्विस सेंटर पहले था लेकिन अब नहीं है, बंद हो गया, फिर रिपेयर किससे करवाएंगे। तो आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत मैटर करती है बिजनेस के गुडविल के वैल्यू के ऊपर, इंपैक्ट करती है आफ्टर सेल्स सर्विस। उसके बाद और बताओ, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेस, पर्सनल रेप्यूटेशन ऑफ द ओनर, ओनर और ओनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी पर्सनल रेपुटेशन का भी बिजनेस के गुडविल के साथ कनेक्शन है, ध्यान से सुनना। सेम बिजनेस अभी यहां पे मान लो, आपको समझाने के लिए कोई एक बिजनेस का एग्जांपल लो, एक एनबीएफसी है मान लो, उस एनबीएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे दाऊद इब्राहिम है, उस बैंक में उस एनबीएफसी में कोई पैसे डिपॉजिट करेगा क्या? भले उसका पास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, स्टिल कोई नहीं करेगा। क्यों? पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द डायरेक्टर, पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द ओनर, तो उसका भी बिजनेस के गुडविल पे इंपैक्ट होता है। और बताओ, और बताओ, बोलो बोलो, लोकेशन, कुछ चार पांच ही फैक्टर है, ज्यादा नहीं है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस। सेम क्लास अगर मैं बुधवार पेट में लेता तो कोई आता क्या रे? सेम क्लास, सेम टीचर, सेम सब कुछ, नहीं कोई नहीं आता था। लोकेशन ऑफ द बिजनेस भी मैटर करता है। और बताओ, और बोलो, और बोलो, हाँ, वेरी गुड, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, ये कुछ फैक्टर्स मैंने बताए आपको, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं ना। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो बिजनेस के, फटाफट से लिख लो पांच छह फैक्टर्स है जो बिजनेस के गुडविल पे इंपैक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस बोल सकते हैं, वो भी एक लिख दो, क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लिखा बेटा सभी ने? हेलो हेलो, बच्चे लोग जो अब्सेंट है उनको एक बार बोल देना, आपके जान पहचान वाले जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे बेटा वो लोग, पार्टनरशिप में अब्सेंट रह के, फ्यूचर में होने वाली पार्टनरशिप होते होते रह जाएगी किसी के साथ ये टॉपिक अब्सेंट रहा तो, वरना बच्चा इधर ही रह जाएगा फाउंडेशन में, उसका दोस्त नहीं तो दोस्ती नहीं, इंटर में चली जाएगी दोस्ती, फीमेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड। पर एक चीज मैंने देखा, लड़कियां जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, लड़कियां इंटर में पहुंच ही जाती है, लड़के लोग बहुत बार रह जाते। अभी अभी मैं ट्रेंड ऐसा चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है, मैं हमारे इसमें भी बात कर रहा हूँ ना, ऊपर के क्लास में भी, बच्चे एग्जीक्यूटिव में रह गए और लड़कियां प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल में क्लास में 80% लड़कियां है, प्रोफेशनल के क्लास में 80% लड़कियां है, 80% बच्चे एग्जीक्यूटिव में रह गए। अरे तो लड़कियां पढ़ लेती है कुछ भी करके, टाइम निकाल के कहीं से भी, तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है, लड़के लोगों ने और मेहनत करना चाहिए। अभी जो मैंने देख रहा, मेरे को वजह नहीं मालूम इसके पीछे की, बट कर लेती लड़कियां अपने ऑब्जेक्टिव गोल को, भूलती नहीं है जल्दी जनरली। नाउ लिखो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल,
अब जिसके हम लोग इतने समय से बात कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन भी तो करना पड़ेगा ना, यस और नो? क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी नए पार्टनर को बिजनेस में लेंगे तो ऑब्वियसली नए पार्टनर से सिर्फ कैपिटल नहीं लेने वाले, नए पार्टनर को बोलेंगे कैपिटल के अलावा मुझे और भी एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, कैपिटल के अलावा मुझे और भी एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, कैपिटल के अलावा मुझे और भी एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए। और उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? गुडविल। अब मुझे बताओ, मैं एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड कर रहा हूं, मान लो मेरी और अमुक की पार्टनरशिप है, बराबर है, रोहित फर्म में आना चाहता है, रोहित बोले सर कितना कैपिटल देना है, मैंने बोला 10 लाख का कैपिटल और 10 लाख का गुडविल, टोटल 20 लाख रुपए दे। तो इसने बोला सर आपने 10 लाख गुडविल निकाला कैसे? मतलब मैं तेरे को समझाता हूँ वैल्यूएशन कैसे किया। तो गुडविल वैल्यूएशन की कुछ मेथड्स है बच्चों, कौन कौन सी मेथड से देखना। सबसे पहली मेथड एक बार पहले देख लो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरी सुपर प्रॉफिट मेथड। चौथी एन्यूटी मेथड। पांचवी कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कुछ मेथड्स है, ये कुछ मेथड्स है गुडविल के वैल्यूएशन की, यस और नो? फटाफट से सबके फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों है, क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो सब हम लोग देखेंगे टुमारो। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, इसमें एडजस्टमेंट बहुत है, 11th 12th की तरह नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ बोल मुन्ना, क्या बोले बेटा? काइस नहीं, बस इतना जब आड़ा इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। क्या होता है किसी को मालूम है? कह रहे यहां गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस का मतलब होता है कितने साल तक हमें उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा जिसका हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस का मतलब होता है कितने साल तक हमें उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा जिसका हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं। कितने साल तक हमें उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? वैल्यूएशन। एन्यूटी मेथड, इसमें गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एन्यूटी फैक्टर। एन्यूटी फैक्टर आपको आता है निकालना, सेमी यस और नो? अरे यस और नो आता है ना, कैसे निकालते बोल दो सब लोग एक आवाज में, बोलो बोलो। सुपर प्रॉफिट अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट, रेट रेट रेट, इसका एक और फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट। सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना, दोनों से अलग अलग आंसर आता है क्या? क्वेश्चन में जो हिंट दी रहेगी वो यूज करेंगे। अब कल हम लोग गुडविल के भरपूर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल के कल ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो। तो कल भरपूर प्रैक्टिकल्स है, कल का लेक्चर प्लीज मिस मत करना। आपके जो दोस्त या रिश्तेदार हैं उनको भी बोल देना एब्सेंट मत रहो प्लीज। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, फेस टू फेस का अगर आपका एडमिशन है तो प्लीज क्लास में आकर के देखो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। लिख लो अच्छे से, अभी और इस संडे को हम लोग तूफान कर देंगे, क्या कर देंगे? भरपूर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भरपूर।
ऑल सेट।